नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस वक्त मैं प्रयागराज में उपस्थित हूं, बमफोड़गंज में। आज बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी का आगमन हुआ था, यहां पे कार्यक्रम समापन हो गया है। और कार्यक्रम समापन के बाद जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ के सुशील गौतम जी हैं, उनसे बात करेंगे कैसा कार्यक्रम रहा। आज जो आजाड़ी बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, आज उनके कार्यक्रम में पूरे मंडल से पूरे जोश के साथ सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए। पूरा कैंपस एकदम खचाखच भरा हुआ था, जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर थे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आने से बहुजन समाज बहुत तेजी से उनका कारवा आगे आएगा। आने वाले चुनाव में पूरी की पूरी सीट जीतकर बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगी। पाल समाज के अध्यक्ष बने हैं, क्या लगता है पाल समाज या ओबीसी समाज जुड़ेगा? पाल समाज के पूरे मंडल के जो लोग पूरे निष्ठा से घर बैठे थे, आज पूरे मंडल के जो भी लोग थे, जितने लोग थे, सारे के सारे लोग जो है पूरे के लोग आए थे। और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश जी आने की वजह से पूरा जिस हिसाब से उनका, जैसे ही बॉर्डर से, आज इलाहाबाद मंडल के बॉर्डर से स्वागत करने लगे थे, 3 घंटा लगा था उनको यहाँ प्रोग्राम तक पहुँचने के लिए। पूरे मंडल की तरफ से बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया गया, बहुत लोग जो खरोश के साथ हैं पूरे मंडल के साथ एकदम। निकाय चुनाव को लेकर प्रतापगढ़ में नीला झंडा का परचम लहर रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी चल रही है? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा कल प्रदेश के प्रदेश कार्यालय पर बैठक ली गई है। आदरणीय बहन जी ने सभी कार्यकर्ताओं को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में सेक्टर वार कैडर कैंप लगाकर तैयारी करने के लिए बोला है। ये चुनाव कभी भी हो, अगर कोर्ट से आदेश आता है या आगे जाता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरी ईमानदारी से कैडर कैंप के माध्यम से गांव-गांव में जाके हर टाउन एरिया में पूरी तरीके से तैयारी है। और बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से आने वाले निकाय के चुनाव में पूरी की पूरी सीटें जीतने जा रही है। प्रतापगढ़ में दबदबा होता है, वहाँ पे सुना जाता है ऐसा, क्या वहाँ पे कहा जाता है कि जो वोटर होते हैं वो डर से दूसरी पार्टी को वोट कर देते हैं, क्या करें? ऐसी बात है, जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार से पहले होता था, जब से आदरणीय बहन जी की सरकार बनी है पूरा प्रतापगढ़ जनपद में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जिला स्वतंत्र रूप से रहता है, वहाँ पे 19 सीटें हैं और 19 की 19 सीटों पर हमारे सारे प्रत्याशी पूरी मजबूती से लगे हैं और सारी के सारी सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। चुनाव को लेकर अपने युवाओं को क्या कहेंगे अपने प्रतापगढ़ के लिए? आदरणीय बहन जी की तरफ से भी आदेश हुआ है कि संगठन में और अन्य जो कैंडिडेट हैं, हर तरीके से 50% युवाओं को जगह दी जाएगी और जो भी नए संगठन बनाए जाएंगे वो युवा पूरी तरीके से, आज का जो प्रोग्राम है पूरा युवा जोश खरोश के साथ है और पूरा युवा मजबूती से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ। प्रयागराज मंडल के कोऑर्डिनेटर पंकज गौतम जी साथ में हैं, पीछे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर? चुनाव एकदम जोर शोर से बहुत बढ़िया चुनाव होने जा रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्देशानुसार जो भी हमारा संगठन चल रहा है, हमारे बहुजन समाज पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता एकदम जोश खरोश से एकदम उतर आए हैं, विरोधियों की एकदम नींद हराम हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी जब चाहे चुनाव करवाए उसकी तो इतनी हालत खराब हो गई, योगी मोदी की नींद एकदम हराम हो गई है, वो तो चुनाव करवाना ही नहीं चाहती है, लेकिन क्या करे, बस में नहीं है, संवैधानिक रूप से उसको चुनाव कराना ही पड़ेगा। योगी मोदी को इतना कह दूंगा, उनकी औकात हो, जब चुनाव कराना चाहे तब चुनाव करवा ले। बहुजन समाज पार्टी पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार 24 में तो बनवा ही करेगी और इस समय जो नगर निकाय चुनाव होगा पूरी पूरी सीट जिताने का काम करूंगा। ओबीसी आरक्षण चला गया, ओबीसी लेकिन निकला नहीं, बसपा का क्या रिएक्शन? कौन कहता है ओबीसी नहीं निकला है? आज टोटल ज्यादा से ज्यादा ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज, सारे लोगों ने यहाँ पहुंच करके एकदम ललकार दिया योगी मोदी को, उनकी नींद हराम हो गई, आज रात भर नींद नहीं आएगी उनकी, समझ लीजिएगा। ये हमारे प्रयागराज मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, जोरों शोरों से दमखम के साथ कह रहे हैं प्रयागराज में जीतता है।